हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो निमसेट 2020 प्रिपरेशन प्लान इन मंथ ऑफ जून एंड जुलाई को लेकर है। जो आप लोग क्योंकि ऑनलाइन कोर्स से रेगुलर जुड़ते जा रहे हैं, नए नए स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, तो मैंने आपको कमिट किया था कि मैं आपके साथ ये सेशन मंडे को शेयर करूंगा कि किस ढंग से आपको पढ़ना है और किस ढंग से आपको टेस्टिंग मिलेगी। बट 2019 का रिजल्ट आया था, रिजल्ट बहुत अच्छा था और सबसे खास बात है कि इस बार ऑनलाइन स्टूडेंट ने बेस्ट परफॉर्म दिया है। और उसमें ऑनलाइन स्टूडेंट में एक स्टूडेंट ऐसी भी है जिसका आप चाहें तो वीडियो सेशन देख सकते हैं, ऑलरेडी डाला था, महिमा पांडे, जो मैंने आपको बताया भी था कि अयोध्या की बच्ची है और इसका बायो बैकग्राउंड था 11th-12th में और उसके बाद फिर BCA किया था। मैथ से टच में नहीं थी, फिर भी पेनड्राइव कोर्स से, ऑनलाइन कोर्स से पढ़ाई की, लास्ट में टेस्ट सीरीज देने के लिए आई थी और ऑल इंडिया 66 रैंक आई। इसी तरह से एक बच्चा था लक्ष्य, जो पानीपत से आया था, जिसका ऑल इंडिया 32 रैंक है। आप सोचिए कि इन्होंने ऑनलाइन कोर्स से प्रिपरेशन किया था और इतना अच्छा रिजल्ट दिया। तो ये सब बच्चे जुड़े हुए थे, अभी रिजल्ट आया था तो सेलिब्रेशन चल रहा था, इस वजह से सेशन नहीं ले पाया। पर अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। दूसरा, आपने जो जो डाउट्स भेजे हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस बार का पेपर 2019 का थोड़ा डिफरेंट तरह का पेपर था, अनएक्सपेक्टेड पेपर था, लेवल हाई था और लेवल हाई होने के वजह से, क्योंकि मतलब बोल सकता हूँ जेई मेंस एडवांस लेवल के तक का पेपर आया था, तो इस बार प्रिपरेशन में भी वही चेंजेस लाना है। तो एक बात ध्यान रखिए, नंबर 1, आप में से कुछ लोगों का कहना है कि सर दो दो तीन तीन टॉपिक्स नहीं हो पा रहे हैं या कैसे प्रिपरेशन करें। तो मैं एक बात पहले क्लियर कर दूँ कि आप 2020 अगर टारगेट है, देखिए हर तरह के बच्चे जुड़े हुए हैं, 2021 का स्टूडेंट भी है, 2022 का भी, क्लासरूम कोर्स में भी और ऑनलाइन कोर्स में भी, ये सबसे अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 2019 के पेपर के बाद से लेकर अब तक इतने बच्चे ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं बोलूँगा कि आपको प्रिपरेशन करते समय बहुत ही पीसफुल तरीके से पढ़ाई करनी है। और अगर आपको, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में एक ही चीज़ याद रखनी होती है कि आपकी डिसिप्लिन सेल्फ रखनी है, वो डिसिप्लिन रखो। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन, मैंने आप सबको बोला भी है, अभी फिर बोल रहा हूँ कि आप चाहें तो 1 वीक के लिए आप भोपाल में क्लासरूम कोर्स के लिए आके देखो किस ढंग से पढ़ते हैं, वही मॉड्यूल आप फिर जाके फॉलो करें, बहुत लंबा नहीं पर 1 वीक के लिए, उसमें स्टे अरेंजमेंट भी बहुत ही ईजिली हो जाएगा, यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है। पर ये चीज़ मैंने इस बार रखी हुई है कि आप 1 वीक के लिए इन ड्यूरिंग कभी भी अगर आपको लगे तो आप आ सकते हैं और क्लासरूम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना, जिससे कि आप जब घर पे, अगर मान लीजिए एक सेवा भोपाल आते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना, आगे पीछे ना। दूसरा, जनवरी में जो फास्टैग कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज होगी उस समय भी आ सकते हैं, ये आपका डिसीजन है। बट पहली चीज़ ये कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस साल कोर्सेज में जो जो चीज़ें ऐड कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। ऑलरेडी एडवांस कोर्स का जो पोर्शन है, आप लोग जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है वो सब ध्यान रखें कि आपको जब इस संडे पेपर मिलेगा तो आपको अपडेशन कोर्स के वीडियो भी का लिंक भी मिलेगा, जिससे कि आप उन वीडियोस को भी देखते जाएंगे जो अपडेट होगा। एक और बात बता दूं मैं आपको, क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी, पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 or 2 वीक फिर आपको चालू हो जाएंगी मिलना। एक बात कि क्योंकि इस बार जो पेपर्स होंगे उनका लेवल कुछ डिफरेंट होगा, कुछ पेपर टफ होंगे, कुछ ईजी, तो जो सिंपल पेपर होंगे उनको छोड़ दें, पर जो भी टफ पेपर होंगे वो जो पेपर यहाँ डिस्कस होंगे उनके भी वीडियो सेशंस आपको मिलेंगे। एक और चीज़, और इसके अलावा वीकली टेस्ट, संडे टेस्ट के अलावा जो वीक में क्लास में टेस्ट होंगे वो सब भी मिलेंगे। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इस साल का जो पेपर था बहुत ही कंसेप्चुअल लॉजिकल पेपर था, आपकी पढ़ाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फाउंडेशन के साथ होना चाहिए। आप चाहें तो सब्जेक्टिव में आरडी शर्मा की बुक करें, ऑब्जेक्टिव में आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव करें या एटलीस्ट सेल्फ स्कोर करें और हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करें। अब मैं बात करता हूं कि अभी क्लास में क्या स्टार्ट हुआ है। इस बार थोड़ा सा ऑर्डर अलग कर दिया, मैंने आप में से कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन भी किया था कि सर आप हमेशा क्वांटिटी क्वेश्चन बोलते हो, इस बार हमने सेट पहले स्टार्ट किया है, सेट के बाद रिलेशन, रिलेशन के बाद क्वांटिटी क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद बाइनोमियल थ्योरम, एक टॉपिक लिखना भूल गया मैं यहाँ पर, अर्थमेट AP, GP एंड HP, प्रोग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट, मैट्राइसिस, PNC, प्रोबेबिलिटी। यानी पहला जो टारगेट है वो है एलजेब्रा पे फोकस करना, PNC और प्रोबेबिलिटी को इस बार पहले करेंगे जिससे उसका डिटेल में कर पाएं। दूसरा, जो वीकली आपके टेस्ट होंगे इसमें कई बार ऐसा होगा कि जो टॉपिक पढ़ा दिए गए उनको भी, उनकी भी टेस्टिंग मिलेगी। अब आपकी जो प्रॉब्लम थी वो मैं आपके साथ बताता हूँ। आपने मुझे एक चीज़ बोली है कि सर पढ़ना किस ऑर्डर में, तो एक तो इस ऑर्डर में टॉपिक्स करें तो अच्छा रहेगा, पर क्योंकि आपके पास देखिए कोर्स होता है, आप ऊपर नीचे ले भी लेंगे तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर इस ऑर्डर में लेंगे तो एडवांटेज ये होगा, जैसे अभी पिछले वीक आपको सेट का पेपर मिला था, आप रिलेशन का मिलेगा, फिर क्वांटिटी इक्वेशन का मिलेगा, फिर प्रोग्रेशन का, फिर बाइनोमियल का, फिर और ये एक एक, कम से कम हर टॉपिक को 1 वीक जरूर दीजिए,
2 वीक भी दें तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एटलीस्ट 1 वीक देते हुए चलिए। और 2021 और 22 वाले स्टूडेंट को एक टॉपिक को करीब करीब 2 to 3 वीक में कवर करना है, और आपको आगे के टेस्ट मिल भी जाएं तो भी उसके लिए परेशान नहीं होना, आपके जो जो टॉपिक हो रहे हैं वो करिए। अच्छा, इसके अलावा आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि सर 2 टॉपिक मैनेज नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा एक एक टॉपिक करें, भले ही आपके पास आगे का टेस्ट आ जाए उसे बाद में कर लें। मैंने यहाँ क्लास में भी बच्चों को बोला है कि ये बात ध्यान रखें कि जो जो पढ़ें बहुत ही कंसेप्ट बना के पढ़ें, लॉजिकल रीजनिंग भी इस बार जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, उसको भी हम अपडेट करते हुए देंगे, यानी इस पर आपको बहुत सारे अपडेटेशन मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। उसके लिए आपको ना तो कुछ कुछ ही नहीं करना है, वो पेपर के साथ आपको लिंक मिल जाएगा तो आप आराम से उसको देख सकते हैं जब जब जो जो चीजें होंगी, क्योंकि अभी तो बैच स्टार्ट हुआ है, तो पहला राउंड जो होगा मेरा वो हमेशा होता है बेसिक या फाउंडेशन का, वही आपको करना है। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, याद रखिए जितनी स्ट्रांग आपकी फाउंडेशन होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, यानी जितनी मजबूत जड़ें होंगी पेड़ उतना ही स्ट्रांग होता है, उस चीज पे वर्क करिए। पेपर टफ नहीं था, इस पेपर में भी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि जिनने कंसेप्ट बना के पढ़ाई की उसका हुआ, जिसने क्वेश्चंस को लर्न करने की कोशिश की उसके साथ प्रॉब्लम हुई। मैं आपको एक साथ एक बात बिल्कुल श्योरली बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी अभी इतने सारे ऑनलाइन कोर्स के बच्चे जुड़े हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पढ़े उसके बाद भी वो ऑनलाइन कोर्स से इम्पिटस के जुड़ गए। क्यों जुड़े? क्योंकि उनको आराम से कंसेप्ट बनते हैं, कहीं डाउट्स होता है वो पूछ सकते हैं। तो सोचिए कि, बल्कि ये बात मुझे बच्चों ने ही बताई कि उन जो बच्चे कहीं और के भी आप उनसे ही पूछेंगे तो बताएंगे कि इम्पिटस गुरुकुल के ऑनलाइन या क्लासरूम कोर्स से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आप बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट से पढ़ाई करिए, हर एक टॉपिक को एक एक करके कवर करिए। ये मैंने आपको जून, बल्कि आप समझ लीजिए ये जून जुलाई तक का ये पोर्शन है। अब आपके हाथ में, अगर आप इसे और जल्दी कर सकते हैं वेल एंड गुड, धीरे धीरे कर सकते हैं, जैसे 1 वीक 1 वीक 1 वीक 1 वीक 1 वीक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वीक का आपको मैंने शेड्यूल बताया। अब इसे आप 8 वीक में भी खत्म कर सकते हैं, 4 वीक में भी, पर जो भी करें सबसे पहला काम एक चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि पहले आप जो भी टॉपिक पढ़े उसके लिए एक बेस बुक, चाहे तो वो आर डी शर्मा सब्जेक्टिव हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल सब्जेक्टिव हो या एनसीईआरटी, पर वो पूरी करना एक एक एग्जाम्पल के साथ, एक एक क्वेश्चन, नंबर वन। फिर उसके बाद आप सेल्फ स्कोरर या आर डी शर्मा की सब ऑब्जेक्टिव बुक को सॉल्व करें, उसके भी क्वेश्चंस करें, जिससे आपका एक लेवल डेवलप होगा। दूसरा, पढ़ाई करते समय जैसे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, सुबह क्लास के बाद फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, इवनिंग तक सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर डाउट पूछते हैं, वैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना एक रूटीन बनाएं। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था सर रोज कितने घंटे हमको वीडियो देखना है, तो मैं बोलूंगा मिनिमम 1.5 आवर, मैक्सिमम 3 आवर, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो का मतलब होता है उसके बाद कम से कम 3 से 4 घंटे 5 घंटे की पढ़ाई, जब भी वो उस वीडियो का रिजल्ट निकलता है, क्योंकि उसमें हर चीज पढ़ाई गई है। जैसे जैसे जो जो चीज मैं कवर करता जाऊं उसके क्वेश्चंस करो, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको पहला ये काम करना है, जब आप ये पूरा कर लें उसके बाद प्रीवियस ईयर वाले पोर्टल अलग है, बहुत सारे आपको चीजें दी गई हैं, तो एक ही टॉपिक को 3 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया है। एक तरह से आप इसे ऐसा बोल सकते हैं कि पहले आपने फाउंडेशन पढ़ा, फिर मेंस लेवल पे पढ़ा, फिर एडवांस लेवल पे पढ़ा, एक ही टॉपिक को 3 तरह से, फिर निमसेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी 4 तरीके से एक टॉपिक को कवर करना है। तो वो एक चीज जो आपके लिए है ये यूनिक चीज है, तो एक एक करके कवर करते चले हर वीक में, हर सैटरडे को वो पढ़ें जो पुराना होता जा रहा है। तो अभी नहीं, अभी आपके पास धीरे धीरे बर्डन बढ़ता जाएगा, इसलिए मैं आपको इस बार करीब करीब ऐसे सेशन में हर 15 दिन में ही लूंगा, पर मैं आपको हर 15 दिन में सेशन लेने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अगले 1-1.5 महीने में क्या होने वाला है एकेडमी में, क्योंकि आप उस ऑर्डर में पढ़ाई कर सकते हैं। इवन इन बिटवीन अगर आप आना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर मिल सकती है, ये एडवांटेज आपको होगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हर टॉपिक को धीरे धीरे कंसेप्ट बना के पढ़ें, पहले सेट पढ़ें, फिर रिलेशन पढ़ें, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें, फिर प्रोग्रेशन, पर इसमें ऊपर नीचे रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हैं या सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करें। मिनिमम 4 आवर पढ़ाई करें, मैक्सिमम 8 आवर करें तो बहुत ही अच्छा है, और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को 4 आवर सफिशियंट है, सेकंड ईयर वालों को 4-5 आवर, पर फाइनल ईयर वाले अगर 6 to 8 आवर देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि पेपर जिस ढंग से आया उस ढंग से एक साल में आपको सिलेबस खत्म करना है। क्योंकि इस सब के बाद हम ये प्लान कर रहे हैं कि फिर क्या करेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, तो 2 एंड पे चलना है, क्योंकि ये खत्म करके फिर प्रोबेबिलिटी, वो सॉरी ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस पे वर्क करना है, वो बहुत बड़ा पार्ट है जो सिलेबस का और क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को कवर करते हुए चलना है। साथ में रीजनिंग की टेस्टिंग भी अब आपको बीच बीच में मिलना चालू हो जाएगी, वो मैं बता दूंगा आपको कब से दूंगा वो सेशंस,
पर इस बार जो पेपर्स होंगे उसमें रीजनिंग को अभी से हम कवर करते चलेंगे, जिससे कि हम स्कोर अच्छा कर पाएं। तो आप इस ढंग से पढ़िए, फिर भी कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे शेयर करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।